खैलांजी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत भानपुर में रविवार को जिला राजपूत क्षत्रिय सभा बालाघाट के तत्वधान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा अनावरण व समाज के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्वप्रथम उपस्थित जनों के द्वारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात समाज के नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधियों का शाल श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया, जिसके बाद विशाल रैली निकालकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। नवनिर्वाचित जन प्रतिनिधि व वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह के तहत पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार, जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार, नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुजीत सिंह ठाकुर, किन्नापुर जनपद अध्यक्ष कल्याण सिंह राणा, जनपद सदस्य जितेंद्र सिंह राजपूत, आलेझरी सरपंच सीमा जितेंद्र सिंह राजपूत, उप सरपंच अशोक सिंह चंदेल, राजेंद्र सिंह, उमेश सिंह पंडेले सहित अन्य गणमान्य जनों का शाल श्रीफल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के पश्चात जिला राजपूत क्षत्रिय सभा बालाघाट के तत्वधान में भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल से निकाली गई, जो ग्राम के विभिन्न चौक चौराहों गलियों का भ्रमण करते हुए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के भव्य प्रतिमा अनावरण स्थल पर पहुंची। इस दौरान जय महाराणा, जय राजपूताना, जय भवानी सहित अन्य प्रकार के उद्घोष भी लगाए गए। इस शोभा यात्रा में पुरुष व महिलाओं की उपस्थिति के साथ ही राजपूत वीर योद्धाओं की जीवंत झांकी आकर्षण का केंद्र रही, जो शोभा यात्रा के दौरान घोड़े पर सवार होकर पूरे ग्राम का भ्रमण किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा स्थल पर शोभा यात्रा पहुंची, जहां पर कार्यक्रम के अतिथियों के हस्ते प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्वार ने कहा कि महाराणा प्रताप ने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है और कठिन समय में मुगलों को रोकने का काम किया। उन्होंने मुगलों को रोका, वरना आज पूरा देश मुगल सम्राटों के अधीन होता। महाराणा प्रताप की जो जानकारी है वो महिलाएं अपने परिवार के बुजुर्गों से ले और अपने बच्चों को सिखाए, केवल यह महिलाएं ही कर सकती है। श्री सरस्वार ने कहा कि महिलाओं का यहाँ उपस्थित होना दर्शाता है कि राजपूत क्षत्रिय समाज अध्यक्ष संजय सिंह कछवा ने ठान लिया है महाराणा प्रताप का इतिहास लिखा हुआ है और उन्होंने ही क्षत्रिय समाज को मान दिलाया है। तभी हम सर उठाकर पूरे देश में घूम रहे हैं और हमारे नाम का डंका बजता है। युवाओं से अपील है कि वह अपने महापुरुषों के बारे में भी जाने और उन्होंने क्या किया। बहुत बड़ा काम किया देश में, कठिन परिस्थितियों में भी मुगलों को रोकने का काम किया इन्होंने, मुगलों को रोका और नहीं तो आज यह पूरा राज्य पूरा देश मुगल सम्राट मुगल सम्राटों के अंदर में रहता। यहाँ क्या है, महाराणा प्रताप ने जो रोक किया है, जो उनके बारे में जानकारी है, महिलाएं अच्छी तरह से दे सकते हैं, बच्चों को सीखिए, कोई करता है तो महिलाएं करती हैं। ये महिलाएं यहाँ उपस्थित होना यह दर्शाता है कि राजपूत क्षत्रिय समाज में भाई धनंजय सिंह कछवा ने, संजय सिंह कछवा ने लाने की प्रयत्न कर दिया और ला लिया। महाराणा प्रताप ने जो किया है इतिहास रचा है और राजपूत क्षत्रिय समाज को मान दिलाया है, समाज को पूरा मान दिया है। उसके कारण ही आज हम लोग सिर उठाकर पूरे देश में चल रहे हैं, पूरे विश्व में हमारा डंका बज रहा है। तो सभी लोगों से कहूँगी, खासकर युवाओं से कहूँ कि महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी हासिल करें,
अपने बच्चों को बतलाया है, अपने साथियों को बतलाया है और उसके तहत अपने देश की रक्षा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार ने कहा कि हमारे जिले में हमारी छोटी समाज है पर जिले के लिए गर्व की बात है और संजय सिंह कछवा का धन्यवाद, वह हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। आज से 8 महीने पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि राजनीति में आऊँगा। अचानक उन्होंने वह समाज के लोगों ने आकर कहा कि सामान्य वर्ग का आरक्षण है, ऐसे में फ़ायदा लेना चाहिए। और पहले दिन फॉर्म भरने से मेरे अध्यक्ष बनने तक पूरे समय संजय सिंह कछवा ने मुझे आगे बढ़ाया और हिम्मत दिया। इसी बीच उनके जीजाजी का दुखद निधन भी हो गया पर वह मेरे लिए लगे रहे। भले हम कम हैं पर हर पीढ़ी में कोई ऐसा एक होता है जो जिले को हिला कर रखता है। 6-8 महीने पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊंगा और आप लोगों के बीच में इस तरीके से आऊंगा। अचानक संजय भैया और मेरे समाज के लोगों का ये बोलना था कि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण है और ऐसे समय में ये फायदा उठाना आपके लिए जरूरी है। मैं धन्यवाद देता हूँ संजय भैया को कि उन्होंने पहले दिन से, जिस दिन मैंने फॉर्म भरा उस दिन से मेरे अध्यक्ष बनते तक पूरे टाइम में मुझे आगे बढ़ाया और मेरे को हिम्मत दिलाया कि नहीं अपन अध्यक्ष बन के रह रहे हैं। धन्यवाद भैया उसके लिए। उस समय दुख की बात ये थी, इसी बीच में संजय भैया के जीजाजी की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वो फोन पे भिड़े रह रहे और मेरे को अध्यक्ष बनाने के लिए पूरा सहयोग किया। धन्यवाद। श्री सरस्वार ने कहा कि राणा हनुमान सिंह बहुत बड़े दानवीर के रूप में हमारे बीच में रहे और यह सभी जानते हैं। नई बहू और बच्चों को उनका पता नहीं है, जिन्हें बताना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति तो हमारे बीच में था जो महाराणा प्रताप की वंशावली में उनका नाम शामिल है। उनके द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कई प्रकार के दान किए गए और सदैव उन्होंने समाज को आगे बढ़ाया। नागपुर में शंकर चौक जो पूरे शहर का सेंटर है, वहाँ जमीन खरीदना नामुमकिन है। वहाँ पर 25,000 वर्ग फुट का महाराणा प्रताप समिति संस्था का नाम का भवन बनाकर उन्होंने दान दिया है। किरणापुर, पाला, आमगांव ऐसे कई जगह और बालाघाट में भी कई भवन बनाकर उन्होंने दान किए हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा मैं बोलूं, हमारा जिला चाहे हम कम छत्री है लेकिन जब भी छत्री हर पीढ़ी में कोई ना कोई ऐसा आगे आया है जिसने जिले को हिला के रखा है। उसी श्रृंखला में हमारे राणा हनुमान सिंह जी भी एक बहुत बड़े दानवीर के रूप में हमारे बीच में थे। आप सभी जानते हैं अभी हमारे यहाँ आई हुई नई बहुएं और बच्चे, उनको उनके बारे में कुछ नहीं पता है। आप लोगों ने बताना चाहिए वो किस तरीके के व्यक्तित्व थे और महाराणा प्रताप जी की वंशावली में उनका नाम शामिल है। एक ही वंश के होने के साथ साथ उन्होंने नागपुर से लेकर पूरे मध्य प्रदेश से लेकर बालाघाट से लेकर हर जगह अपने दान करके और क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने के लिए और सभी समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वत्र दान दे दिया। आपको बता दो नागपुर में शंकर नगर चौक जो नागपुर का सेंटर कहलाता है, जहाँ पे जमीन खरीदना ही मुमकिन नहीं है, ऐसी जगह में 25,000 फुट का महाराणा प्रताप स्मृति संस्था के नाम से उन्होंने अपना भवन बना के उसे भी दान दिया है। और जहाँ तक कि हमारे किरणापुर, पाला, आमगांव सभी के लोग यहाँ पे मेरे करीब करीब दिख रहे हैं, हमारे पूर्वज लोग को जो जानते हैं, आपको बता दूं कई स्कूल है उन्होंने कहीं चंदा जमा करके अपने पास से पैसे लगा के बनाया है और उसे दान दे दिया। आप लोगों को सबको मालूम है बालाघाट में धर्मशाला के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करके धर्मशाला बनवाई, जिले में इतने भवन बना के उसको डोनेट किया है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन पर कटाक्ष करते हुए बिना नाम लिए कहा कि राणा हनुमान सिंह के द्वारा जिले में और जिले के बाहर कई प्रकार के दान किए गए और वहां एक बहुत बड़े दानवीर के रूप में रहे, ऐसे में अपनी राजनीति के लिए कुछ लोग उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे। तो मैं अध्यक्ष संजय सिंह कछवा से वह समाज के हर व्यक्ति से कहूँगा कि वह राणा हनुमान सिंह की जानकारी समाज के अन्य लोगों को दे।
और जो इस प्रकार से उठपटांग बयानबाजी हो रही है उसके खिलाफ एक साथ आवाज उठाए। यहाँ सभी से आग्रह है, यदि हम समाज के दानवीर और महापुरुषों का सम्मान नहीं करेंगे, नाम नहीं लेंगे, तो समाज में दान और समाज सेवा की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी, क्योंकि एक पीढ़ी के जाने के बाद उसका नाम खत्म करने वाली परंपरा ठीक नहीं है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस चीज के लिए खड़े हो। अपनी राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुछ लोग उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं हमारे अध्यक्ष जी संजय भैया से अनुरोध करूंगा और आप लोगों का सबका सहयोग के साथ में आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आप राणा हनुमान सिंह जी कौन थे उसकी जानकारी अपने बुजुर्गों से ले और उसके बाद में जिस तरीके से उनके खिलाफ में पटांग बयानबाजी हो रही है उसके खिलाफ में एक साथ में आवाज लगाए। यही मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, क्योंकि आज हम अपने समाज वाले का साथ नहीं देंगे और हम अपने समाज के दानवीरों का सम्मान नहीं करेंगे तो हम में से कोई भी सम्मान नहीं करेगा और आगे दान की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी, समाज सेवा की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। क्योंकि एक पीढ़ी जाने के बाद यदि उसके नाम को खत्म करने की कोशिश की जाए या उसके बारे में उल्टा सीधा बोला जाए तो हमारा और आपका सबका कर्तव्य बनता है कि हम उसके खिलाफ में खड़े हो। और आज बहुत अच्छे माहौल में आप सब लोगों के साथ में खासकर महिलाएं आज काफी तादाद में हैं और मैं सभी को आपको प्रणाम करता हूं और इस ग्राम के सभी नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि भानपुर ग्राम में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा अनावरण स्वयं में गौरवशाली क्षण है और यह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम यह भूलने नहीं देंगे। राजपूत क्षत्रिय समाज का कोई कार्यक्रम छोटा नहीं होता है, वह स्वयं में विशाल होता है, क्योंकि उसमें हम सभी एकजुट होकर एकता दिखाने का अवसर मिलता है। हम कहीं भी रहते हो पर सभी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के वंशज हैं। हमेशा समाज के कार्यक्रम में सभी को उपस्थित देना चाहिए और जो लोग हम में मुट्ठी भर कहते हैं उन्हें हमारी शक्ति दिखाना जरूरी है। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए बालाघाट जाना जाता है और मैं भी यहाँ देख पा रही हूँ कि भानपुर में बड़ी संख्या में मातृशक्ति पुरुष वर्ग से ज़्यादा है। वह क्षत्राणी होने के नाते राजपूत समाज में पैदा होना ही गौरव का विषय होता है, क्योंकि समाज में हमें जो मर्यादा संस्कार नीति नियम सिखाए जाते हैं उन्हें यदि हम सही मायनों में आत्मसात करते हैं तो हमारी प्रगति निश्चित है और ये समाज की ही देन है कि हम यहाँ पर आए। जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्राम भानपुर में वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम, यह अपने आप में एक बड़ा ही गौरवशाली क्षण है जो कि भानपुर ग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। 26 फरवरी का यह दिन हम सभी को और हमारी आने वाली पीढ़ी को हमेशा याद रहेगा और हम सब जो आज इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं, इस कार्यक्रम में हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, ये हम सभी के लिए भी एक गौरव का विषय है, क्योंकि राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा आयोजित ऐसे भी कोई भी कार्यक्रम मैं नहीं मानती कि वो छोटे हो या बड़े हो, वो अपने आप में एक विशाल स्वरूप इसलिए रखते हैं क्योंकि उस कार्यक्रम में हम सभी को एकजुट होने का मौका मिलता है, अपनी एकता दिखाने का अवसर मिलता है और ऐसे कार्यक्रमों से हमारी संगठनात्मक एकता दिखाई देती है। आज राजपूत क्षत्रिय समाज का एक भी व्यक्ति चाहे वो किसी ग्रामीण अंचल में रह रहा हो या शहरी अंचल में रह रहा हो, लेकिन है हम सब एक ही वीर शिरोमणि के वंशज। भले ही हमारा रहवासी क्षेत्र भिन्न भिन्न हो, लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि उन किसी भी कार्यक्रम को हम कभी मिस ना करें, हमेशा उसमें अपनी उपस्थिति दिखाएं ताकि दुनिया भी देखे कि जैसे अभी मेरे पूर्व में वक्ता ने कहा कि मुट्ठी भर राजपूत जिन्हें कहते हैं तो उन्हें भी हमारी शक्ति का एहसास हो और हमारी एकता प्रदर्शित हो। आज जहां बालाघाट जिला महिला सशक्तिकरण के लिए जाना जाता है, जहां महिलाओं का अनुपात 40-60 है, ये आप सब जानते हैं, वहां आज इस ग्राम में भी यह चीज प्रदर्शित हो रही है। आप सब देख सकते हैं कि यहां पुरुषों की तुलना में मातृशक्ति की उपस्थिति ज्यादा है और मुझे बड़ा गौरव होता है इस चीज
पूछता कि राजपूत क्षत्रिय समाज की तरफ से मुझे महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और शहर में बालाघाट जिले में अपनी सेवा देने का अवसर मिला। मेरा मानना है कि हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, एक क्षत्राणी होने के नाते, एक राजपूत क्षत्रिय समाज के परिवार के सदस्य होने के नाते मैं मानती हूँ कि सिर्फ राजपूत क्षत्रिय समाज में पैदा होना ही एक अपने आप में बड़ा गौरव का विषय। जिलाध्यक्ष संजय सिंह कछवा ने कहा कि लंबे समय से यह कार्यक्रम करने का प्रयास था जिसे भानपुर में रखा गया क्योंकि लोगों को इस ग्राम के बारे में पता नहीं था और भानपुर के लोगों को धन्यवाद कि उन्होंने कोरोना काल में प्रतिमा बनाई। 2 वर्षों से अनावरण रुका हुआ था। यहाँ के युवाओं ने धर्मेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में और इसमें प्रमुख रूप से महेंद्र सिंह नेवरे जो शरीर से असमर्थ है पर उनका जज्बा बहुत था कि प्रतिमा बनाना है, यह एक सराहनीय प्रयास रहा। श्री कछवा ने कहा कि 10 वर्ष हो गए मुझे जिलाध्यक्ष बने, 2 वर्ष के लिए बनाया गया था परंतु हमारा उद्देश्य रहता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे जोड़ना, वह भी इसलिए नहीं कि कार्यक्रम या रैली निकाले, हमारा मूल उद्देश्य है कि राजपूत को राजपूत से जोड़ना। आने वाले समय में हर ब्लॉक में हमारे कार्यक्रम होंगे। राजपूतों का इतिहास किसी को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस देश को बचाने में राजपूतों का बहुत बड़ा योगदान है। सम्मान का प्लान कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था और उसका स्थान भी मैंने ये चुना भानपुर, एक छोटा सा गांव है बालाघाट का। अधिकांश लोग हमारे समाज के लोग भी नहीं जानते थे कि भानपुर कहाँ पे है, लेकिन मैं इस भानपुर के लोगों की जिंदा दिली और उसकी तारीफ करना चाहूंगा कि पिछले 3 साल में कोरोना पीरियड आ गया था, उस पीरियड में ये महाराणा प्रताप जी का मूर्ति का निर्माण चालू था। पिछले 2 साल से इस मूर्ति का अनावरण रुका हुआ था। गाँव के चंद युवाओं ने मिलके हमारे धर्मेंद्र सिंह राजपूत जो है उनके मार्गदर्शन में महेंद्र सिंह तब मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा नेवरे का, वो शरीर से भले ही थोड़े असमर्थ है लेकिन उनका जो जज्बा था, जो काम करने का था, किसी के भी मोटरसाइकिल में बैठ के आना कि भैया किसी की भी हालत में हमको माणा प्रताप जी की मूर्ति बनाना है, ये बहुत बड़ी क्षमता की बात है और मैं चाहूंगा कि सब लोग भानपुर के लोगों के लिए पहले ताली बजाइए। ये हमारे पूरे जिले के लिए उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। साथ ही हमारा जो प्रयास था, इस साल मुझे 10 साल बने हुए हो गए हैं जिला के राजपूत समाज का अध्यक्ष, मुझे आदरणीय दादा ने 2 साल के लिए बनाया था और मैं लगातार बोलता हूँ कि अभी 10 साल हो गए लेकिन ये भूल जाते हैं, हर साल बढ़ा देते हैं, लेकिन मुझे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो करते थे कि हम जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा, जबकि जब तक जिले के अंतिम छोर के राजपूत भाई से हम लोग ना मिल ले, और हम जितने भी बालाघाट में ऐतिहासिक कार्यक्रम किए उसमें हमारे डोंगर वाली क्षेत्र की बहुत अच्छी उपस्थिति रहती थी और मैं उनको बार बार बोल रहा था कि हम संगठन केवल मतलब और रैलियां निकालने के लिए बना रहे हैं, हम संगठन बना रहे हैं एक राजपूत भाई को दूसरे राजपूत भाई से जोड़ने के लिए। और मैं इसीलिए बोला था कि आप हमारे हर प्रोग्राम में आते हैं, पूरा जिले को हम आमंत्रित करेंगे कि आपके गांव के प्रोग्राम में हम लोग आएंगे। ये एक हम लोग ने नई शुरुआत किया है कि अब बालाघाट हेडक्वार्टर में तो हमारे प्रोग्राम होते हैं लेकिन हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर ब्लॉक में हमारे समाज के प्रोग्राम होंगे। हमारा राजपूतों का इतिहास किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय दादा ने जो बताया कि मुगलों से लड़के आज यदि राजपूतों ने योगदान जो दिया है, राजपूत लड़ाई के लिए माने जाते थे, राजपूतों ने देश के लिए लड़ा है और इस देश का कोई भी नागरिक राजपूतों के योगदान को भुला नहीं सकता, कभी नकार नहीं सकता और उसको पूरा सम्मान देता है। श्री कछवा ने कहा कि पूर्व विधायक अशोक सिंह सरस्पार दादा भैया का नाम और काम जिले में उपयोग हो, लोग इसका लाभ मिले, इसलिए सम्राट सिंह सरस्पार को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया, वहां राजनीति में आना नहीं चाहते थे, विपरीत परिस्थिति पर बोल रहे थे परंतु हमने बोल दिया था कि अध्यक्ष बनाकर ही छोड़ेंगे, हम राजपूत हैं जो ठान लिए करते हैं, फिर 10 दिन में स्थिति इस प्रकार की बदली, ऊपर से कांग्रेस ने टिकट भी नहीं थी तो फिर हमने निर्दलीय उन्हें अध्यक्ष बनाया और राजपूतों की शक्ति का प्रदर्शन किया। श्री कछवा ने कहा कि पद के बाद किया गया काम हमेशा याद रहता है और कोई भी कार्यक्रम होता है तो लोग सोचते हैं कि किस जनप्रतिनिधि को बुलाए, परंतु हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि समाज में ही इतने जनप्रतिनिधि है कि मंच छोटा पड़ा है। पूरे जिले में हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगा रहे हैं परंतु किरणापुर में जो हेड क्वार्टर है ठाकुरों का, वहाँ प्रतिमा नहीं है। ऐसे में कल्याण सिंह राणा जनपद अध्यक्ष है, जून में महाराणा प्रताप की जयंती है तो उसके पहले वहाँ प्रतिमा लगाने का काम किया जाएगा। कटंगी में सरकारी अस्पताल का नाम महाराणा प्रताप चिकित्सालय होगा जिसकी अंतिम प्रक्रिया चल रही है।
सम्राट भैया का चुनाव मुझे याद है, हम लोग बहुत विपरीत परिस्थिति, हम वहाँ मीटिंग करते थे, ये राजनीति में आना नहीं चाहते थे, ये बोले मैं अच्छा वाला बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे कहाँ राजनीति में घसीट रहे हो। हमने बोले नहीं भैया, दादा भैया का जो नाम और काम है उसको, आपकी जो सोच है उसको समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, जिले के लिए उपयोग में लाना बहुत जरूरी है। हमने उनको फोर्स करके चुनाव लड़ाया, वो बोले कि मैं सदस्य के लिए चुनाव नहीं लड़ता, जिला पंचायत कैसे बनूंगा, ये परिस्थिति अलग है, अध्यक्ष नहीं बन सकता। मैंने बोला वो आप छोड़ दो, आप सदस्य का लड़ो, अध्यक्ष अपने आप बन जाएंगे। काफी परिस्थिति हुई, ड्रामा हुआ, उसी पीरियड में हम लोग भोपाल में पूरे सदस्यों के साथ थे, सब सदस्यों को लेके गए थे, एक बहुत भूगत घटना हुई, उसी दिन मेरे जीजाजी का एक्सीडेंट हुआ, वहां से मुझे बंबई जाना पड़ा। पूरी तमाम परिस्थिति 10 दिन में बहुत चेंज हुई, लेकिन मैं एक बार बोलता था कि जो ठाकुर ने ठान लिया है वो होके रहेगा। ऐसी परिस्थिति हुई कि कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं दे रही है, अब क्या करेंगे? मैंने बोला नहीं दे रही है तो हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हम अपने दम पे निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय जीतेंगे। और उसके बाद पूरे जिले और प्रदेश में देखा कि सम्राट भैया ने निर्दलीय जनपद जिला पंचायत का चुनाव जीत के अध्यक्ष बन गए, ये है राजपूतों की शक्ति। आदरणीय भारती भाभी ने अपना वार्ड एक दूसरे वार्ड में जाके चुनाव लड़ा और वहां से जीत के अपनी शक्ति दिखाई, काम की योग्यता दिखाई, और आज बालाघाट बोल रहा है कि इतनी एक्टिव और इतनी मिलनसार नगर पालिका अध्यक्ष बालाघाट में आज तक नहीं आई। मैं ये समझता हूँ ये हमारे समाज के लिए गौरव है। पद मिल जाता है बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पद के बाद जो काम होता है वही याद किया जाता है, और हमको बड़ी खुशी है। आज हमारे जिले में हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों की भरमार है। आपने कार्ड देखा होगा, हर समाज में बात होती है कि किसको बुला ले, हमारे समाज में भी हमको कोई टेंशन नहीं है। हमारे समाज के इतने जनप्रतिनिधि है कि हमारा मन छोटा पड़ जाता है। तो ये हमारे समाज की ताकत है, हमको अपने समाज की ताकत का पहचानना पड़ेगा। और जो हम लोग बात कर रहे हैं, हमने प्रयास किया है कि अब पूरे जिले में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हमको स्थापित करना है। मैं कल्याण भैया ने जब ये बोला हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि अभी आप जनपद के आप किन्नापुर के अध्यक्ष हो, किन्नापुर का जो गढ़ है वो ठाकुरों का गढ़ माना जाता है, और किन्नापुर में यदि महाराणा प्रताप जी के हेडक्वार्टर में भव्य प्रतिभा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि हम सभी के लिए ये सोचने वाली बात है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आप जनपद के अध्यक्ष है। मैं चाहूंगा कि महाराणा प्रताप जी की जयंती जून है, जून के पहले किन्नापुर में महाराणा की मूर्ति का अनावरण हो जाए तो ये बहुत ही बढ़िया उपलब्धि होगी। साथ ही कटंडी हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो काफी दिन से बात की जा रही है। हमने काफी पतली गली से बोल सकते हो आप काम करते हुए कटंडी के सरकारी अस्पताल का नाम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम से आखिरी प्रक्रिया बची है वो हो गया है, और संभवतः मुझे लगता है कि अगले महीने में भोपाल का उसका अनुमोदन भी प्राप्त हो गया, कोई भी प्रक्रिया बची नहीं है। तो कटंडी का भी प्रोग्राम बहुत जल्द शीघ्र बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा।